इमरान खान साहब को जो मुशावरत दी जा रही है आपकी नज़र में दुरुस्त है? शुक्रिया शाम। बिल्कुल आपने तारीख के हवाले से पूरी एक तारीख किस तरीके से हमारे यहाँ आइन टूटते रहे और बदकिस्मती से आइन इसलिए हमारे यहाँ गैर महफूज रहे क्योंकि अदलिया उस आइन का तहफ़ नहीं कर सकी। होना तो ये चाहिए था कि अगर जब भी आइन तोड़ा जाता तो अदलिया उसके राह में रुकावट बनती और उन ताले आजमाओं को जिन्होंने आइन तोड़े उनको सजाएँ देती, लेकिन नहीं हुआ। हत्ता के अगर आपको याद हो कि 71 में गालबन आसमा जीलानी केस जो था उसमें ये तय हुआ था कि मार्शल लॉ इस मुल्क में अब नहीं लगेगा, लेकिन 77 में हमने देखा उसको भी अदलिया ने तहफ़ दे दिया। 99 में हमने देखा उसमें तो ये हुआ कि ना सिर्फ तहफ़ दिया बल्कि इजाज़त भी दे दी कि तरमीम कर लें। इस वक्त क्या हुआ है? देखिए, जिस चीज़ को ज़ाहिर मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ही उसको देख रही है, इसका बहुत दिलचस्प पहलू है। 7 मार्च को वज़ीर आज़म के सामने एक टेलीग्राम जो भी ख़त है जो भी उसको नाम दे दें आप, केबल है जो भी है, 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जमा होती है और 8 मार्च के बाद उसको उसमें ताखीर कितनी होती है, 24 मार्च को फिर इजलास होता है और 24 मार्च को लीडर ऑफ़ द अपोजिशन पेश करते हैं, 24 या 25 को पेश करते हैं। ऐसी है। अच्छा, अगर उस तारीख को जिस तारीख को पेश कर रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन तो गवर्नमेंट को तो सब पता चल गया था ना, इस पूरी साजिश का मुबैना साजिश का सब पता चल गया था, सारी तहकीक कर ली गई होगी। उधर उस वक्त जब ये बड़े लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पेश की थी उस वक्त फवाद चौधरी साहब या एक्स वाई जेड किसी ने जो भी उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने खड़े होके ये चीज़ क्यों नहीं की? यही रूलिंग्स जो आज जो 3 अप्रैल को दी गई रूलिंग उस दिन क्यों नहीं दी गई? उस दिन क्यों बात ये ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि इस बीच में वज़ीर आज़म को पूरा यकीन था कि जी इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे, मुनरफीन भी वापस आ जाएंगे और अगर आप उनके पूरे बयानात इस दौरान उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट थे कि 172 पूरे नहीं होंगे। जब चीज़ें हाथ से निकल गई, अब 24 को अगर पेश हो गई तो उसके बाद 25, 26 3 तारीख तक बीच में किसी स्टेज पर भी ये नहीं हुआ, किसी स्टेज पे भी ये नहीं रखी गई और 3 तारीख को जब इजलास में हुआ जो 4 मिनट की कार्रवाई हुई उसमें रूलिंग डिप्टी स्पीकर पढ़ रहा है, स्पीकर की रूलिंग यानी लिखी हुई स्पीकर की थी, उसका नाम भी ले दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है जो डिबेट होनी थी जिसके पे बात आज भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी वो तो 24 तारीख को जिस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पेश किया था। अच्छा, अब तो मैं एक मजर साहब एक चीज मैं और अर्ज करूं आपसे, ये जिन्होंने भी खान साहब को मुशावरत दी ना, मैं मेरी नज़र में इतनी नालायक लोग हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन ये डेप्यूटी स्पीकर साहब अपनी रूलिंग सुनाते हैं फिर उसी दिन इमरान खान साहब अपनी पार्टी मेंबर से आके मिलते हैं तो क्या फरमाते हैं ये ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे इनकी मुशावरती टीम की नालायकी सामने आती है। आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं, अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। अब मजरवा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज पर गौर करें, मैं कल रात आपको ये नहीं बता सकता था सरप्राइज के बारे में क्योंकि मुझे डर था कि ऑपोजिशन आज इस तरह से शॉक नहीं होंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था, मतलब कि रूल तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो नॉन पार्टीजन होते हैं ना सर, नॉन पार्टी मतलब कि दिस इज एन एविडेंस दैट द प्राइम मिनिस्टर न्यू अबाउट इट कि डेप्यूटी स्पीकर ये करने जा रहा है और तैयार करके रखा हुआ है, तो कल को अगर ये साबित होता है कि ये आइन टूटा है या आर्टिकल 6 लगना है तो एडर्स एंड अबेडर्स में खान साहब को भी डाल सकते हैं वो। ये मुशावरत दी है इमरान खान को इनकी टीम ने। शाम उसको भी छोड़ दें, सारी चीज को छोड़ दें, आप सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो जाहिर है सबके लिए जो है वो काबिले कबूल होगा। इम्पोर्टेंट क्या है पाकिस्तान की सियासी तारीख में? आज तक मैंने नहीं देखा कि सिर्फ कौमी असम्बली डिसॉल्व हुई हो, हमेशा कौमी असम्बली के बाद सूबाई असम्बलियाँ। सवाल ये है कि अगर इमरान खान फ्रेश इलेक्शन में जा रहे हैं तो दो जगह तो उनकी हुकूमत है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की असम्बलियाँ क्यों नहीं डिसॉल्व हुई? सिर्फ कौमी इसलिए कि कौमी असम्बली में वो मेजॉरिटी लूज कर गए थे, उन्हें पता था मेजॉरिटी लूज कर गए हैं और मेजॉरिटी एक दिन भी उनकी हुकूमत नहीं चल सकती थी, इसलिए आज जो ये जश्न मनाया जा रहा है कि हम तो फ्रेश इलेक्शंस की जरूरत जा रहे हैं तो फ्रेश इलेक्शन फिर केपी में भी जाएं, फिर पंजाब में भी जाएं,
फिर बाकी बलूचिस्तान में भी कोशिश करें, सिंध करता है नहीं करता, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बहुत ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है कि सिर्फ कौमी असम्बली के जब आप इलेक्शन कराएंगे तो कौमी असम्बली के इलेक्शन का हलका तो पूरा पाकिस्तान है, वहाँ तो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूज़ कर सकती है इंसान अपना इन्फ्लुएंस। तो ये एक अजीब व गरीब एक सियासी मार्का होने जा रहा है, और ये जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ कि सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं।